ये स्वागत है आप सभी का और इस नाचीज को शौकीन खान कहते हैं। आज का हमारा मुद्दा है यू वर्सेस यू, खुद की खुद से लड़ाई। इसके ऊपर बात करेंगे और एंड में मैं आपको कुछ डायरेक्ट टिप्स दूंगा जिनको समझने की कोशिश करिएगा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, बहुत काम किए। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा ताकि आप वो टिप्स जान पाओ वो क्या है। बट उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करूंगा ताकि आपको वीडियो का सार समझ में आ जाए। जरा गौर फरमाइएगा। कर्म करता रहे फल तो मिलेगा, कर्म करता रहे फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये कांटों भरा रास्ता तेरे इरादों को आजमाएगा, ये कांटों भरा रास्ता तेरे इरादों को आजमाएगा, लेकिन रास्ते में पड़ा वो सबसे बड़ा पत्थर तुझे सबसे बेहतरीन चलना सिखाएगा। देखिए, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो हमें पीछे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ ड्रैग करती है, आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है और हमारी सक्सेस को रोकती है। वो चीज क्या है? वो चीज कुछ और नहीं, वो चीज आप खुद हो। आप खुद अपनी सक्सेस को रोकते हो। आपकी गलत ख्वाहिशात हैं, आपकी गलत आदतें हैं, आपकी नफ्स है, आपका आलस है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। अगर आप इन चीजों से निजात पाना चाहते हो तो अपनी लाइफ में गोल्स लेकर आइए, अपनी लाइफ में टारगेट्स लेकर आइए, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दीजिए, डिसिप्लिन दीजिए और अपने आप को तकलीफ में डालिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए, अपनी नजरों में शर्मिंदा होना सीखिए। यस, आई रिपीट, अपनी खुद की नजरों में शर्मिंदा होना सीखिए। आप मिरर के सामने खड़े होकर कभी खुद से डायरेक्ट उंगली उठाकर ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि इस काम को करने में तूने अपने सिर्फ और सिर्फ 60% एफर्ट्स क्यों डाले, 100% एफर्ट्स क्यों नहीं दिए? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू मैन? ऐसा क्यों करते हो? आप अपने आप से ये सवाल करिए। जब आप अपने आप से सवाल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा से सिर्फ आप ही थे। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप खुद हो। आपको ना तो कोई जिता सकता है, उसी तरह अगर आप ना चाहो तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता है। या तो किसी काम को करने में अपने 100% एफर्ट्स डालिए या तो वो काम करिए ही मत। आगे बढ़ना है तो अपने आप को जानना शुरू कर दीजिए कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उनको रिमूव करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो बॉडी है वो लगभग हर सिचुएशन में स्टैंड कर सकती है। आपकी बॉडी लगभग हर सिचुएशन में स्टैंड कर सकती है, बस ये आपका माइंड है जिसको आपको कन्विंस करना है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जो एवरीडे हमारे साथ होता है, कैसे हमारे माइंडसेट्स काम करते हैं। जब हमें कोई चीज पसंद होती है, नापसंद होती है, तो हम क्या अक्सर अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से पूछते हैं कि भाई कैसी लग रही है चीज, ठीक है कि नहीं? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हम सुनना वही चाहते हैं जो ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं। जैसे हम दूसरों के हालचाल पूछते हैं, कैसे, हाँ भाई सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। हम सुनना ही ये चाहते हैं कि सब ठीक ठाक है। यकीन मानिए, अगर सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाना शुरू कर दे तो मैं तो क्या, आप भी उससे दोबारा पूछना भी बंद कर देंगे, आप पूछेंगे ही नहीं। इस तरीके से हमारे माइंडसेट्स काम करते हैं। तो अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को जानना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको कुछ डायरेक्ट टिप्स देता हूं जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में आपकी हेल्प करेंगे। नंबर वन, किसी काम को करने में आपके डेडिकेशन में कमी उन सारे लोगों की इंसल्ट है जो आपके अंदर बिलीव रखते हैं। यस। नंबर टू, हमेशा एक परफेक्ट आदमी बनने की कोशिश क्यों करते हो? बस कल से बेहतर बन जाओ, उसी में काम हो जाएगा, यकीन मानिए। नंबर थ्री, आगे बढ़ने का सीक्रेट सिर्फ इतना सा है कि आज ही स्टार्ट कर दो। नंबर फोर, स्मार्ट लोग हर बंदे से, हर सिचुएशन से सीखते हैं। एवरेज लोग एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, और स्टूपिड लोग वो सीखते कहां हैं, वो तो बस हर चीज के पीछे एक तर्क दे देते हैं। नंबर फाइव एंड लास्ट, सेम वाटर में जब आप आलू बॉइल करते हो तो वो कैसा हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। उसी वाटर में जब आप एग बॉइल करते हो तो वो हार्ड हो जाता है। बात साफ है, सिचुएशंस की कोई कमी है ही नहीं, ये तो आपके इरादों की कमी है कि आप क्या करना चाहते हो, आप जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो। खुद से लड़िए और आगे बढ़िए। इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए अगर पसंद आए तो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। दुआ खैर में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।